press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मनी लॉजी के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। अच्छा देखिए, आज का जो वीडियो है आपने थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि ये खान सर के ऊपर है। अच्छा, खान सर के ऊपर ये जो नाम को लेके बवाल हो रहा है उस पर मैं अपनी कुछ टिप्पणी रखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो लोग इनके बारे में आज पहली बार सुन रहे हैं, खान सर के बाद पहली बार में सुन रहे हैं, तो मैं जरा उनको दो लाइनें बता दूँ उनके बारे में। हालांकि वो मेरी दो लाइनों के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पटना से बिलोंग करते हैं और बहुत ही गजब के टीचर हैं, बहुत ही गजब के टीचर हैं। मतलब इनके टीचिंग स्किल्स की अगर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बड़ी से बड़ी मुश्किल चीजों को भी इतनी आसानी से ये हंसते हंसते अपने यूट्यूब चैनल पे समझा देते हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं। अच्छा, इनका जो YouTube चैनल है उसका नाम है GS रिसर्च सेंटर, है ना, और ये खान सर से बहुत के नाम से बहुत फेमस हैं। आप इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको इस बात से आप समझ सकते हैं कि इनको YouTube पे सिर्फ एक या दो साल हुआ है और इस एक दो साल के अंदर इन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं, जो कि कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, बीबी के वाइन्स के लिए भी दो साल में कर पाना मुश्किल नामुमकिन था। आप ये बात समझें। अच्छा, अभी आज की तारीख में अगर आप देखेंगे ना तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ये माइलस्टोन अचीव किया है, ठीक है, लेकिन गाली गलौज करके, रोस्टिंग करके किया है। एक साधारण आदमी, ठीक है, लोगों को सिखाते हुए इस लेवल तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, है ना। देखिए, मैं खुद लोगों को सिखाता हूं तो मैं इस बात को समझता हूं। टीचिंग के जो लोग टीचर्स होते हैं, जो लोग एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, उन वीडियोस पे कंपैरेटिवली बहुत कम व्यूज आते हैं। आप इस बात को समझें। क्यों? क्योंकि जब भी आदमी आप यूट्यूब जब चालू करते हो, आप कुछ सीखने का चालू करते हो क्या? नहीं, गाना सुनने के लिए, किसी के रोस्ट वीडियोस देखने के लिए या कोई कॉमेडीज देखने के लिए, मैक्सिमम लोग इसी के लिए यूट्यूब देखते हैं। एजुकेशन के लिए बहुत कम लोग यूट्यूब को देखा करते हैं। इन्होंने बहुत कम समय में एक अच्छी, अपनी आप समझें, एक पहचान बना ली है इनके सिर्फ और सिर्फ सिखाने के तरीके की वजह से। अच्छा, जब आदमी की पहचान हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और वो उनके पीछे बुरा भला कहने लगते हैं। अच्छा, अभी जो बवाल है, ये बवाल है कि खान सर का असली नाम क्या है, क्या ये खान है या अमित सिंह है, है ना, इसको लेके बवाल है। भाई, मैं एक सिंपल सा देखिए एक बात पूछना चाहूँगा, ये जो बवाल कर रहे हैं आप, एक्चुअली नाम के ऊपर बवाल कर रहे हो? नहीं, आप धर्म पे बवाल कर रहे हैं। एक टीचर के धर्म पे आप बवाल कर रहे हो। टीचर का कोई धर्म होता है क्या? टीचर का कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, और रही बात बात की, बात नाम की, तो यार नाम पे आप कैसे बवाल कर सकते हो? दिलीप कुमार का नाम क्या एक्चुअली दिलीप कुमार है? एक्चुअली दिलीप कुमार है। अच्छा, अजय देवगन का नाम क्या एक्चुअली में अजय देवगन है? अक्षय कुमार का नाम क्या एक्चुअल में अक्षय कुमार है? जब आप उस पर बवाल नहीं करते तो इनके ऊपर क्यों बवाल कर रहे हो? क्यों? क्योंकि ये जल्दी फेमस हो गया, इसलिए बाकी लोग के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए। और एक चीज मैं आपको ना बहुत सिंपल तरीके से बता दूं, देखिए, गुरु जो होता है ना, गुरु, इनका दर्जा माँ बाप के बाद का दर्जा होता है, और गुरु किसी धर्म विशेष का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, गुरु सबका होता है। आज मैं लोगों को शेयर मार्केट के बारे में सिखाता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाता हूँ, मुझसे सीखने वाले लाखों शिष्य हैं, है ना, बहुत सारे लोग मुझसे सीखते हैं। जिस दिन गुरु ये बोलना शुरू कर देना कि नहीं, मैं सिर्फ हिंदू को पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ मुसलमान को पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ क्रिश्चियन लोग को पढ़ाऊंगा, तो भैया कहाँ का गुरु है यार वो? तो गुरु कभी धर्म को लेके नहीं चलता है, और जो धर्म को लेके चलता है ना वो गुरु नहीं है, उसे धर्म गुरु कहते हैं। तो यार, टीचर को टीचर रहने दीजिए, सीखिए, जाइए इनके वीडियोस को देखिए,
इनके वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। बेकार में फालतू फालतू चीज का बकेड़ा मत कीजिए यार, कोई मतलब नहीं है, है ना, इट मेक्स नो सेंस। अच्छा, उन्होंने अपने एक वीडियो में पाकिस्तान की बुराई कर दी, है ना, कि पाकिस्तान खराब है। तो उसमें क्या खराब है, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बुरा है उसके अंदर। जो हमारे देश पे इतनी बार आक्रमण कर चुका है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, है ना, जिनके बहुत सारे सुहाग उजड़ गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, हम उस कंट्री की तारीफ करें? उनको जाके माला वाला पहनाएंगे क्या भाई? पाकिस्तान है उस काबिल कि आप उसको गाली देंगे, खत्म हो गई बात। उन्होंने वहां पे ये तो नहीं कहा ना कि मुस्लिम खराब है। आप बेकार में एक जो वर्ड वहां पे डाल के धर्म की बात निकाल लेते हो। गलत गलत है, सही सही है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, है ना। तो ये चीज देखिए, मैं एक टीचर होने के नाते, लोगों को सिखाने के नाते, मैं लोगों को सिखाता हूं, तो मैं आपको ये बात जरूर कह सकता हूं कि भैया टीचर को प्लीज टीचर की तरह रहने दीजिए, उसको उसका काम करने दीजिए, वहां पे धर्म को बीच में ना लाएं, है ना, सिर्फ सीखें, राइट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा, जाते जाते एक बात मैं आपसे कहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब मत करना कि मैंने ये वीडियो बनाया है, है ना, सब्सक्राइब मेरे बाकी वीडियोस को देख के कीजिए, और खान सर को जरूर सपोर्ट करें। ऐसे टाइम पे देखिए, हर समुदाय में 2% खराब लोग होते हैं, 98% अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये 2% लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि 98% अच्छे लोग कुछ नहीं कहते। आपने पिक्चर देखी होगी, पुरानी पिक्चर, अभी की पिक्चर, दो गुंडे आके एक आदमी को मारेंगे पीटेंगे और पूरे गांव वाले सर्कल बना के खड़े होके देखेंगे, लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना। एक दिन मूवी के एंड में उन सब की जो है अंदर की आवाज जागती है और वो फिर फाइनली उस विलन को मार देते हैं। तो ये बुरे लोग जो है, एंटी सोशल लोग बहुत कम है, ठीक है, बट इनकी ताकत तभी तक है जब तक अच्छे लोग कुछ नहीं कहते। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में #WeSupportKhanSir जरूर कमेंट करके टाइप करें, है ना, प्लीज टाइप करें और अपना सपोर्ट खान सर को जरूर दिखाएं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।